नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने अपने 5 साल के कार्यकालों की उपलब्धियां बताते हुए हल्द्वानी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के विकास के लिए नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नगर निगम क्षेत्रों में अवस्थाना विकास के लिए 2200 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें से 1300 करोड़ के टेंडर निकाल चुके हैं और अनेकों योजनाएं भी चलाई जा रही है। बता दें कि उन्होंने कहा कि लगभग 200 करोड़ की लागत से हल्द्वानी शहर के कूड़े का स्थायी निदान किया जाएगा। इसके साथ ही आवारा गौवंश को जल्द ही गौशालाओं में भेजने का कार्य भी किया जाने वाला है, जिसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रेस मीटिंग थी और प्रेस मीटिंग में मैंने अपने पिछले विगत 5 वर्षों का अपना और नगर निगम बोर्ड का किया हुआ कार्यों का खाका रखा। नगर निगम बोर्ड ने राज्य सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के मदद से शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, बेसिक इम्यूनिटी जो आम जनमानस को दी जा सकती है, इस पर भरसक प्रयास किया है। मैं बोर्ड के सभी मेंबर्स को, सभी सम्मानित पार्षदों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा सदैव मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया। कई उल्लेखनीय कार्य भी हुए हैं। अमृत पार्ट वन योजना का लगभग 98 करोड़ रुपये में पेयजल सीवरेज लाइन, पेयजल पुनर्गठन, एसटीपी का निर्माण और साथ ही अवस्थापना संबंधी में लगभग 30 करोड़ की सड़कें वर्तमान में निर्मित हो रही हैं।